हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल द हिडन ट्रिक्स पर। दोस्तों, क्या आप भी डिजी लॉकर में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं? वहाँ पर आपको आधार ऑलरेडी रजिस्टर या आधार ऑलरेडी लिंक की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और आप भी जब भी अपने डिजी लॉकर में लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन से, तो आप वहाँ पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आपने बहुत ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके जरिए मैं 101% श्योर हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको फिर से जिंदगी में कभी भी ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप वीडियो को डिसलाइक कर देना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, आपके लिए टाइम विश करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे दोस्त यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं डिजी लॉकर में, जो कि वहाँ पर वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कैसे लॉगिन करना है? सिंपली आपको अपने आधार नंबर से लॉगिन करना है, जो कि आपको साइड स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। आप दो तरह से डिजी लॉकर में लॉगिन कर सकते हैं, एक अपने मोबाइल नंबर से जो कि आपने डिजी लॉकर जब अकाउंट बनाया होगा तब लगाया होगा, और दूसरा अपने आधार नंबर से। तो दोस्तों, आधार नंबर से मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपको अपने आधार नंबर से लॉगिन करना है, इसके पीछे एक रीज़न है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा टू वेरीफाई योर ऑथेंटिकेशन। जब भी आप लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ऑथेंटिकेशन करने के लिए वो बोल रहे हैं, आप अपना यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कीजिए, अपना यहाँ पर वेरीफाई कीजिए कि आप ही वो पर्सन है जो कि यहाँ पर ये लॉगिन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने पहले अकाउंट बनाया है इसलिए आपको अपने आधार कार्ड नंबर से यहाँ पर लॉगिन करना है, और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों, जो भी आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर दे सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। तो दोस्तों, 101% आपका भी यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, और किसी भी तरह से आप यहाँ पर वैसे लॉगिन नहीं कर पाओगे, इसके लिए मैं गारंटी लेता हूँ। दोस्तों, अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना। अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उस पर आप कभी भी 24/7 में आपके लिए अवेलेबल हूँ। ऐसे आप मुझे कभी भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज और डीएम कर सकते हैं, मैं 101% श्योर हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप सिंपली आपको अपने आधार कार्ड नंबर से लॉगिन करना है, उससे ही आप यहाँ पर अपना डिजी लॉकर में लॉगिन कर पाओगे, आधार ऑलरेडी लिंक और आधार ऑलरेडी रजिस्टर की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।